Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी पटना के बारे में। तो एनआईटी पटना की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विजिट nitp.ac.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे नोटिस में फर्स्ट ही नोटिस है, एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम और सेमेस्टर, उसको हम क्लिक करेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट है एनआईटी पटना की तरफ से जो कि बिहार में लोकेटेड है। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने एडमिशन नोटिस मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, स्पॉन्सर स्कीम एंड सिलेक्शन फॉर जेआरएफ एंड एसआरएफ पोजीशन, सब एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट जितने भी है उतने के लिए। और जो डिपार्टमेंट है और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, उसके जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है। तो ऐसे 10 डिपार्टमेंट है। और नीचे यहाँ पे नोट दी हुई है कि गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है एक्चुअली गेट और नेट क्वालिफिकेशन, और मल्टी डिसिप्लिनरी भी परस्यू कर सकते हैं, सब कुछ मेंशन ऐसे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैटेगरी मेंशन किए हुए है जैसे फुल टाइम पार्ट टाइम। तो फुल टाइम में यहाँ पे पूरा कैटेगरी मेंशन किए हुए विथ स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप फंडेड बाय आईआईटी पटना, तो ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप हो गई। फिर सेकंड है फुल टाइम स्पॉन्सर कैंडिडेट जैसे एम्प्लॉय फ्रॉम पीएससी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट पर जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है उनको नेट गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाले हैं उनको नेट गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है और उनका स्पॉन्सर के लिए रिटर्न टेस्ट भी नहीं होगा, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए रिटर्न टेस्ट होगा। और जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है उनको एनओसी देना पड़ेगा। फिर सेकंड है पार्ट टाइम विदाउट स्कॉलरशिप, तो जो भी स्पॉन्सर्ड अप्लाई है फ्रॉम बीएसयू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बस उनको एनओसी देना पड़ेगा। एसआरएफ जेआरएफ वर्किंग एट आईआईटी पटना, तो जो भी स्टूडेंट एसआरएफ और जेआरएफ परस्यू कर रहे हैं अभी करंटली इन आईआईटी पटना वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पार्ट टाइम और फुल टाइम बोथ। फिर यहाँ पे नॉन पीएचडी फैकल्टी आइदर रेगुलर और अपॉइंटेड ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ एनआईटी पटना, तो जो पीएचडी नहीं है लेकिन आईआईटी पटना में जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किए हुए, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो इसी डिपार्टमेंट के लिए टोटल 16 सीट अवेलेबल है, उसके लिए अनरिजर्व के लिए 7 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 16 है, आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हो। फिर सीएससी के लिए 16 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 16 है, मैकेनिकल के लिए 17 है, आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए 10 है, मैथमेटिक्स का 6 है, फिजिक्स का 6 है, केमिस्ट्री का 6 है और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 4 है। तो ऐसे टोटल 113 सीट्स अवेलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमई एमटेक एमआर एम प्लानिंग एम डिजाइन और इक्विवेलेंट डिग्री विद 6.5 सीजीपीए और 60% मार्क्स में फर्स्ट क्लास होना चाहिए।
5% SCST को रिलैक्सेशन रहेगा। सेकंड जो बीटेक बीआरएच वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए एमए विथ इक्विवेलेंट डिग्री 60% और 6.5 सीजीपीए विथ वैलिड गेट यूजीसी नेट सीएसआईआर स्कोर। तो बीटेक वालों को यूजीसी नेट सीएसआईआर ये मैंडेटरी है, मास्टर के लिए नहीं है। और जो मिनिमम सीजीपीए है वो जैसे बोला था मैंने 5% रिलैक्सेशन है। और स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए नेट की क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये तो पहले ही डिस्कस किया है। और बाकी जो कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रोफेशनल साइंटिस्ट जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अप टू 31 मई। वो जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो आफ्टर है तो वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए साइट दी हुई है, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल होगा। एडमिशन प्रोसीजर एंड अदर डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है कि रिटर्न टेस्ट होगा, पहले तो स्क्रीनिंग होगी मिनिमम एलिजिबिलिटी के ऊपर, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट दी हुई है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट के टाइम पे जब भी आप जाओगे वहां पे आपको कोई भी एक आईडी कार्ड लेके जाना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। इंस्टीट्यूट में 30 मिनट बिफोर जाना है, जब भी एडमिशन टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, मीन्स रिटर्न टेस्ट स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट बिफोर जाना है। ये तो इंस्ट्रक्शन आपको जब भी शॉर्टलिस्ट होगा तब आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन स्क्रीनिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछ बता रहे हैं कि क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट 40% फुल मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल, ओबीसी के लिए 35%, सॉरी 40% फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 35% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। और जो सिलेबस रहेगा वो गेट नेट का रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का सिलेबस रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट का फुल मार्क 100 होगा और इंटरव्यू का फुल मार्क 100 होगा। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिशन के टाइम पे होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए आपको लेके जाना है। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, तो पीएचडी रेगुलर के लिए 42,950 है और पार्ट टाइम के लिए भी सेम है। डिटेल फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। फिर यहाँ पे अप्लीकेशन का लास्ट डेट मेंशन किया हुआ है, तो 26 जून तक के आपको अप्लीकेशन का पेमेंट करना है और 27 तक के आप सबमिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है, जैसे 1500 रुपीज है फॉर जनरल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए, और 750 है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा शेड्यूल मेंशन किया हुआ है, तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट की वो 26 जून है, और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 27 जून है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको 27 जून से पहले एप्लीकेशन करना है, और जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट है वो 3 जुलाई को पब्लिश होगी, और 10th को आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 11 to 13 तक के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन है आपको 27 जून तक के आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एसओपी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कैसे करना है उसका पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है, और एप्लीकेशन सिलेक्ट कैसे करना है, पेमेंट करने में एप्लीकेशन फी पे करने के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अप टू 26 जून या आपको फिल करना है, उसके बाद क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको ये गूगल फॉर्म फिल करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है,
इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।